नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज है 4 जून और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले कल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग रिविजन करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिये कल के प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था दोस्तों कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका जो उत्तर था ऑप्शन है सी सही है, SL थाउसेन बने हैं। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा कागजी स्टाम्प पेपर मतलब जो फिजिकल स्टाम्प पेपर है उसके प्रयोग को कम करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है बी भगवंत मान सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। देखिए किस भारतीय महिला को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद के द्वारा ये पुरस्कार किसे दिया गया, यह सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी रश्मि साहू को। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस दोस्तों आपको बताया गया था कि 2 जून 2014 को ये एक नया राज्य बना, तो ये कब होगा, 2 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो है सितारा ए पाकिस्तान, ठीक है सितारा ए पाकिस्तान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डेरन समी को। कल गलती से आपको नाम सारी चीजें मैंने डेरन समी से ही बताया था, सब कुछ लिख करके बताया था, गलती से शायद ऑप्शन सी पर क्लिक हो गया था क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, तो मैंने कमेंट देखे तो वहां पर बताया गया कि हाँ सर टिक हो गया था सी पे, लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो है बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो इसे कब तक बढ़ा दिया गया है, तो 2026 तक, ऑप्शन सी। किस संस्था द्वारा टोबैको प्वाइजनिंग आवर प्लेनेट ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, ठीक है, और किसने मनाया, WHO के द्वारा यह घोषणा की जाती है मनाने की। और भारत में किस राज्य को नो टोबैको के तहत WHO पुरस्कार दिया गया, तो झारखंड को दिया गया, तो ये WHO इसमें सही है। नेक्स्ट है भारत की गेहूं की खेप किसने वापस कर दी, तो आपको पता है कि किसने वापस की है दोस्तों, टर्की ने वापस की है, इसने कहा है कि उसमें एक वायरस है, रूबेला वायरस होने का खतरा है, क्या ही करे दोस्तों, यूरोप का मरीज है ना, तो लोग वो दूसरों को ही मरीज समझता है, इसीलिए उसने क्या किया वापस कर दिया है। नेक्स्ट है 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन THE टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान जो भारत का है शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, ये शीर्ष पर रहा है भारत में। और अगर एशिया में शीर्ष पर बात करें तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है वो पहले स्थान पर रही है। यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत तो कोविड टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो बांग्लादेश है, ठीक है। और जो मुंबई में अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसमें जो है कंट्री ऑफ फोकस भी किसे रखा गया है, बांग्लादेश को ही रखा गया है। 12वां प्रश्न है कि किसके द्वारा माई पैड माई राइट, तो ये दोस्तों योजना कार्यक्रम लद्दाख में शुरू किया गया है, किसके द्वारा, तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा दोस्तों, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला, और रिवीजन का तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम परिवार स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्न की श्रृंखला शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, किसके द्वारा, UN महासभा के द्वारा 2018 में इसकी घोषणा की गई है मनाने की, और तब से ये मनाया जाता है क्या, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है, कब दोस्तों, 3 जून को मनाया जाता है, और अब की बार 3 जून को, ठीक है, इस साइकिल दिवस के अवसर पर क्या किया गया है दोस्तों, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, और किसके द्वारा ये जो है इसका उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए दिवस के बारे में, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मई को, क्या है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। विश्व दुग्ध दिवस, देखिए दो, विश्व और राष्ट्रीय, तो विश्व है 1 जून और राष्ट्रीय है 26 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, 8वां संस्करण होगा। थीम क्या है 2022 की, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब की बार किसी भी परीक्षा में छप सकता है ये। और कहां पर मनाया जाएगा, तो मैसूर कर्नाटक में मनाया जाएगा, डन है। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो,
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जो बने हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं जुल्फिकार हसन। कौन है दोस्तों? ये जुल्फिकार हसन है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन? जुल्फिकार हसन। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए जो थाओ सेन बने हैं, ये भी आपको पता है कि थाओ सेन क्या बनाए गए हैं, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना शुरू कर दीजिए कि थाओ सेन क्या बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ नियुक्तियां हम लोग देख लेते हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं मनोज सोनी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक कौन है? डॉक्टर एस राजू बनाए गए हैं। देखिए दो नाम है, एक BS राजू, ठीक है, और एक है एस राजू। तो BS राजू जो है बोगावल्ली सोमशेखर राजू, ये उप थल सेना अध्यक्ष है, और डॉक्टर एस राजू ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो विमल कोठारी बनाए गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार किसके स्थान पर? सुशील चंद्रा के स्थान पर बने हैं। और बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये राजीव कुमार के स्थान पर कौन बने हैं? सुमन केबेरी, ये वाले राजीव कुमार, और यहां से जो रिटायर हुए मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया है, वो वाले राजीव कुमार, दोनों अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये एक आपको दर्पण टाइप का दिख रहा है ना, और इसी को कहा गया कि तरल दर्पण। तो तरल दर्पण है तो ये किस चीज का बना है? तो दोस्तों ये बना है पारा धातु का। किसका? पारा का बना है, पारा लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, तो दोस्तों इसीलिए ये कैसा है? तरल दर्पण है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में अगर पूछे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक देवस्थल है। क्या है? उत्तराखंड में देवस्थल है, वहीं पर स्थापित किया गया, एक आर्यभट्ट नाम का संस्थान है वहां पर इसे लगाया गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा? बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ये भारत का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा तरल दूरबीन, दर्पण दूरबीन है ये। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की पहाड़ी देवस्थल पर इसे लगाया गया, बनाया किन किन लोगों ने मिलकर है? तो भारत के खगोलविद, बेल्जियम के खगोलविद और कनाडा के खगोलविदों ने मिलकर इसे बनाया है, इसका निर्माण किया है। देखिए भारत में पहले की बात आई, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, कहां पर लगाया गया है, ठीक है, किसने इसका निर्माण किया? तो भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने, खगोलविद मतलब जो अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया है। चलिए अब भारत में पहला कुछ देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी। सामुदायिक संग्रहालय, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहां पर? तो लद्दाख में खोला गया। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, भारत की पहली पंचायत कौन बनी है? तो पल्ली पंचायत बनी है, जो कि सांबा जिले में है, जम्मू कश्मीर में। अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया, किसने किया है? तो नकवी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी मेटा, अभी आपने देखा कि फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया, और आप देखते हैं कि जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में भी मेटा की आकृति, ये वाली आकृति बनी होती है अब। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को भी जो है, व्हाट्सएप का अधिग्रहण किसने कर लिया है? फेसबुक ने कर लिया है। फेसबुक के सीईओ संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और कब उन्होंने स्थापना की थी फेसबुक की? तो 2004 में उन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी। अभी दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि मेटा के सीओओ, सीईओ नहीं, सीईओ जो है मेटा के, मेटा के सीईओ है वो है जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। लेकिन यहां पर बात हो रही है सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मतलब मुख्य परिचालन अधिकारी की बात हो रही है। तो कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो यहां पर आप देख सकते हैं जेवियर ओलिवन, ऑप्शन सी सही है, जेवियर ओलिवन जो है नियुक्त किए गए। मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक या आप कह सकते हैं मेटा के सीईओ है। एलन मस्क की बात करें तो अभी हाल ही में $44 बिलियन में इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, किसने? एलन मस्क ने। ये टेस्ला, ठीक है, टेस्ला और एक स्पेस एक्स कंपनी है, क्या है? स्पेस एक्स, इन दोनों कंपनियों के मालिक है, सीईओ है कौन? ये है एलन मस्क। और जो ट्विटर का इन्होंने अधिग्रहण किया तो उसके सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। यहां पर कैंपबेल विल्सन दिया गया है, तो एयर इंडिया, क्या दोस्तों? एयर इंडिया के सीईओ,
कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन। इतनी सारी चीजें आपको यहां से कंफर्म हो गई। चलिए कुछ और चीजें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। यूएनएचआरसी द्वारा मानवाधिकारों व जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के लिए, ठीक है, स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया यूएनएचआरसी के द्वारा। आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट होंगबो गाय राइडर के स्थान पर बने हैं। एफएटीएफ जिसका मुख्यालय जो है फ्रांस पेरिस में है, तो दोस्तों इसका जो है निदेशक या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये वसीम खान जोफ अलार्डिस के स्थान पर। देखिए ये वसीम खान नियुक्त किए गए, ये आपको याद रखना है। WHO के निदेशक कौन है? तो टेड्रस एधानोम गेब्रियसेस। दोबारा से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, मतलब दोबारा से ये चुन लिए गए हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति। आपका क्वेश्चन था मेटा के COO कौन बनाए गए? तो जेवियर ओलिवन बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, ये क्या है दोस्तों? तो जो है किसानों को उनकी जमीन की, ठीक है, सही कीमत बताने के लिए कैसे कैसे, जैसे उर्वरा शक्ति उसकी कितनी है, उसी के आधार पर उसकी गुणवत्ता कितनी है, तो उसके आधार पर उसकी क्या कीमत होनी चाहिए, ये बताने के लिए एक सूचकांक जारी हुआ है। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है, ISALPI, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है आपके भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा जो है इसे क्या किया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया है इस सूचकांक को। डन है, तो आप कृषि भूमि सूचकांक आप याद रखेंगे, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, IIT नहीं, IIM अहमदाबाद। डन है, चलिए अब भारत के प्रथम की बात हुई तो वो भी देख लेते हैं एक बार। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में, अनाज ATM भी गुरुग्राम हरियाणा में ही। भारत का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम कहां पर लगाया गया? आगरा में लगाया गया। दृष्टिबाधितों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो अक्ष कहां पर? नागपुर में खोला गया। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो मेरे साथियों ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा में शुरू किया गया है, नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं। डन है, और उड़ीसा में ही हॉकी 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन किया जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला दो जगहों पर मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया कृषि भूमि मूल्य सूचकांक कहां पर? IIM अहमदाबाद। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, दोस्तों ये 2021 का संस्करण है, 2022 में खेला जा रहा है। आपको बताया जा चुका है कि कहां खेला जाएगा, और अभी दोस्तों ये 4 जून से शुरू किया गया है, मतलब आज से ये शुरू किया गया है, 13 जून तक चलेगा, ठीक है। कहां पर खेला जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका आयोजन शुरू हुआ है हरियाणा में, और बात करें हरियाणा में कहां, तो हरियाणा के पंचकूला में इसका आयोजन शुरू किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो ये 4th संस्करण है, मतलब चौथा संस्करण, 2018 में पहला संस्करण खेला गया था, ये चौथा संस्करण है, ठीक है दोस्तों। और अब की बार का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो शुभंकर है एक धाकड़। क्या शुभंकर है? धाकड़ एक गाय है, इसे ही हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या किया गया है? शुभंकर बनाया गया है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा कि कहां पर? तो ये आपका शुरू किया गया ऑप्शन सी, पंचकूला हरियाणा में। तो आइए कुछ और चीजें देखते हैं। 4 से 13 जून तक पंचकूला हरियाणा में, लगभग 8,500 खिलाड़ी अब की बार भाग लेंगे। शुभंकर है एक धाकड़ नाम की गाय, ठीक है। अब बात करें यहां पर 5 नए पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आपको मलखंब और योगासन याद रख लेना है, और गतका थांगता कलारी पयट्टू, ये कलारी पयट्टू 5 गेम्स हैं जिनको अब की बार शामिल किया गया। ये कैसे खेल है? पारंपरिक खेल है, मतलब पारंपरिक खेलों के संरक्षण के लिए ये 5 खेल जो है अब की बार शामिल किए गए हैं, किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। 2018 में जब खेला गया था तो इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, और अभी क्या हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 से कर दिया गया है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन हुआ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स यूथ गेम्स में, तो ध्यान रखिए ये यूथ गेम्स की बात हुई, अभी यूनिवर्सिटी गेम्स भी आप देख लीजिए। देखिए ये भी 2021 का संस्करण, 2022 में खेला गया। आयोजन स्थल कहां पर है? तो ये आयोजन इसका किया गया था यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में। यूथ गेम्स का आयोजन कहां हो रहा है? पंचकूला हरियाणा में। डन, देखिए विजेता कौन बना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का?
तो ये बनी है जैन यूनिवर्सिटी। कौन? जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है। इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था वीरा। और यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो धाकड़ गाय रखी गई है। डन है, इतनी सारी चीजें जो है दोस्तों एकदम आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। 2 जून 2022 को जाने माने व्यक्ति भजन सोपोरी, क्या नाम है इनका? भजन सोपोरी का निधन हो गया। तो ये क्या थे? ठीक है दोस्तों, पहले तो समझ लीजिए ये कश्मीरी थे कश्मीरी थे दोस्तों, और इन्हें 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं कि कौन से जो है व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको समझना है। तो ये जो दोस्तों भजन सोपोरी जी थे, तो ये जो है देखिए संतूर बजा रहे हैं। क्या? संतूर बजा रहे हैं। तो ये क्या थे? संतूर वादक थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? तो ये संतूर वादक थे। आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो भजन सोपोरी आपको याद करना है, संतूर वादक थे। अब दोस्तों यहां पर वादक और वाद्य यंत्र की बात आई, तो चलिए कुछ और हम लोग वादक और वाद्य यंत्र देख लेते हैं। देखिए शिव कुमार शर्मा, ठीक, क्या थे? शिव कुमार शर्मा। तो ये क्या बताते बजाते थे दोस्तों? तो ये संतूर वादक। कैसे याद करना है? तो ये शिव, शिव जी आपको पता है कि वो शिव जी जो है भांग वगैरह का नशा करते हैं। देखिए जो भी शिव जी के भक्त होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे दोस्तों, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए धतूर जो होता है, क्या? धतूर जो होता है ये भी बहुत नशा करता है। ठीक है, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए, आपने सुना होगा। धतूर खाने से आदमी पागल हो जाता है, नशा करता है। और आप मान सकते हैं कि धतूर शिव जी को चढ़ाया भी जाता है, तो शिव जी को धतूर, तो धतूर और संतूर, तुरंत डन, धतूर संतूर। तो शिव धतूर संतूर, तो शिव जो है ये शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। अगला पंडित रविशंकर, ये आपको कैसे याद करना है? देखिए रविशंकर को लोग तबला वादक बताने लगते हैं, ये गलत हो जाएगा। रविशंकर, देखिए रवि जो है दोस्तों ये क्या है? अब शंकर यहां पर मत जोड़ने लगिएगा कि शंकर जी हैं धतूर चढ़ा देंगे, नहीं, शिव जी की बात हुई है तो शिवलिंग पर धतूर चढ़ाया जाता है, बस ये आप याद रखेंगे। रविशंकर, रवि दोस्तों क्या है? रवि मतलब सूर्य, और सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य एक तारा है, तो सितार में तारा है ना, सितार तार मतलब सितार तारा, तो आप याद करेंगे तुरंत कि तार तारा मतलब सूर्य, सूर्य मतलब रवि। तो रविशंकर जो है पंडित रविशंकर शास्त्री क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सितार से। ठीक है, जाकिर हुसैन, अब देखिए और भी मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा, इसके अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगी। जाकिर हुसैन जी हैं ये तबला वादक है, क्या है? तबला वादक है। बिस्मिल्ला खां जो है ये सहनाई वादक है, ठीक है सहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये दोनों लोग क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और दोस्तों अमजद अली खां जो है ये क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, सरोद वाद्य यंत्र से जो है संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है? देखिए एक देश है जिसने अभी नाम बदलने का अनुरोध किया था, ठीक है, उस देश का नाम क्या है? देखिए दोस्तों ये है रेसिप तैयप एर्दोगन। कौन है? रेसिप तैयप एर्दोगन, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है? ये जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं। कहां के? तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने यूएन में जो है एक रखा था कि हमारे देश का नाम बदल दीजिए, तो यूएन ने पूछा काहे बदल दे भैया, कौन सी बुराई है देश आपके नाम में? तो इन्होंने कहा कि जो तुर्की है, ठीक है, देखिए जो तर्क इन्होंने दो दिया था, तुर्की नाम का एक पक्षी है उसको लोग मारकर खाते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमको बुरा लगता है इसलिए बदल दीजिए। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि इसे लोग अंग्रेजी में टर्की लिखते हैं और टर्की बोलते हैं, ठीक है, और टर्की से इनको कुछ अलग ही फीलिंग आने लगती है, ठीक है, टर्की से अलग फीलिंग आने लगती है, तो ये इन्होंने इसीलिए कहा। दोस्तों भारत में होते टर्की ठरकी हो जाती है, ठीक है, तो इन्होंने ये तर्क दिया कि सर जो है बदल दीजिए। तो ठीक है चलो, दो तर्क हो गए बदलने के, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह ये चीजें मिल जाएंगी। तो दो तर्क हो गए इसके बदलने के। तो अब ये नाम पूछा गया कि क्या रखा जाए, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम बदलकर तुर्की कर दिया जाए। क्या? तुर्की कर दिया जाए। तो ये देश किसके बारे में बात हो गई? तुर्की। तो किसका स्वीकार कर लिया गया नाम बदलने का? तो तुर्की का नाम बदलकर तुर्की करने का स्वीकार कर लिया गया है। अब दोस्तों आप यहां पर आकर देख सकते हैं कौन कौन से है। ये है तुर्की, ये पूरा देश जो है ये कौन सा है? तुर्की है। ये दोस्तों एशिया और यूरोप दोनों में आता है। कहां कहां? एशिया और यूरोप दोनों में आता है। और इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या? यूरोप का मरीज भी कहा जाता है किसे? तुर्की को। और हाल ही में तुर्की ने भारत से जो गेहूं की खेप भेजी गई थी उसे
वापस कर दिया है, ये भी आपको याद करना है। तुर्की के इस्तांबुल में, ठीक है, इस्तांबुल में अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी, आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप हुई थी, वो कहां पर हुई थी, इस्तांबुल तुर्की में ही खेली गई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, और इसमें पहला स्थान तुर्की को ही मिला था और भारत को आप देखिएगा एक बार चौथा स्थान मिला था, ठीक है, एक गोल्ड था और दो ब्रॉन्ज मेडल था, तीन मेडल के साथ चौथा स्थान भारत को मिला था, डन है। अब यहां पर आपको दोस्तों देखिए कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए ये आपका काला सागर है, कौन सा, काला सागर है, और ये है आपका देखिए मेडिटेरियन सी है, ठीक। अब यहां से अगर देखें तो बीच में यहां कई सागर पड़ते हैं, काला सागर और मेडिटेरियन सी अगर दोनों को देखा जाए तो यहां पर देखिए एक यहां पर जलसंधि है और एक जलसंधि यहां पर आपको दिख रही होगी, दो जलसंधियां यहां पर, एक स्पष्ट करके मैं दिखाता हूं, दो जलसंधियां आपको यहां पर दिख रही है, एक ये है और एक यहां पर है, ठीक है। तो यहां की जो जलसंधि है इसका नाम देखिए क्या है, ये है दोस्तों ये मरमरा सागर है, और यहां पर ये जलसंधि है बास्पोरस जलसंधि, और यहां पर जो है ये डार्डेनल्स जलसंधि है यहां पर। तो दो जलसंधियां हैं आपको यदि काला सागर से ये भूमध्य सागर या आप कह सकते हैं अजेनियन सी को जोड़ना हो तो, डन है। इतनी सारी चीजें आप टर्की को आप समझ गए होंगे। राजधानी इसकी है अंकारा, क्या है राजधानी, अंकारा है, इसको भी आप याद रखेंगे, और आपको इसके राष्ट्रपति बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे केजरीवाल जी, इन्होंने क्या किया है कि अभी घोषणा की है कि हम अपने अपने जो राज्य है वहां की कॉलोनी जो है, सड़कें जो है, उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखेंगे। तो आपका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, दिल्ली ने घोषणा की है। अब देखिए दिल्ली के बारे में कुछ विशेष पॉइंट दिल्ली और अंबेडकर जी के बारे में मिलाकर देख लेते हैं। देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं, अनिल बैजल जी ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की एक योजना थी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन कर दिया। अगला इरादा कर लिया हमने शिक्षा गीत, दिल्ली सरकार ने जारी किया था। अगला स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। कहां पर लगाई जा रही है, तो लातूर महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। अनावरण इसका किसने किया है, तो किरण रिजिजू जो है वर्तमान में जो कानून मंत्री है उन्होंने किया है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके बारे में लिखी गई है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लिखी गई है। किसने लिखा है, तो राजेश तलवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अब की किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में कौन लगातार 20वें वर्ष के लिए भी बने रहेंगे, मतलब राजदूत बने रहेंगे, तो आप देख सकते हैं क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट के लीजेंड आप कह सकते हैं कौन है, ये है सचिन तेंदुलकर जी, तो इन्हें ही जो है बनाया गया है दोबारा से, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी, ठीक है, ये वाला बी ने, बी डबल ई बी होता है ये, तो इसका खिताब जीत लिया है। दोस्तों देखिए ये खिताब होता किस चीज का है, तो इसमें दोस्तों स्पेलिंग बतानी होती है, क्या स्पेलिंग बतानी होती है, 90 सेकेंड्स में जितनी ज्यादा करेक्ट स्पेलिंग बता ले जाइए। तो ये जो बच्ची आपको दिख रही है कक्षा 8 की बच्ची है, नाम है हरिनी लोगन, क्या नाम है, हरिनी लोगन नाम है दोस्तों, ठीक है, और इसने जो है कितने वर्ड्स को सही बताया है, तो इसने 21 वर्ड्स की स्पेलिंग सही बताई है, कितने, 21 वर्ड्स की स्पेलिंग इसने सही बताई है, और जो दूसरे स्थान पर रहे वो जो है 15 वर्ड्स की स्पेलिंग सही बता सके। तो दोस्तों हरिनी लोगन जो है इसकी विजेता बनी है, और उपविजेता कौन बने, ये है विक्रम राजू जो कि 15 वर्ड्स की स्पेलिंग बता सके, और इन्होंने 21 वर्ड्स की स्पेलिंग बताई है, और ये भारतीय मूल की रहने वाली है, कौन, भारतीय मूल की छात्रा है दोस्तों, मतलब इनका पूर्वज जो है वो भारतीय मूल के रहे थे, जाकर अमेरिका में बस गए, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो अमेरिका बन गया है चीन को पीछे छोड़ करके। बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखिए ये पहला स्थान है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां मैंने पहला और भारत दोनों दे दिया है, तो पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, और भारत का कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है, ये 2022 का सूचकांक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आज के प्रश्नों का क्विक रिविजन हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के
महानिदेशक कौन बनाए गए? तो जुल्फिकार हसन बनाए गए हैं। पर भारत का प्रथम व एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन ये कहां पर दोस्तों? ये हरियाणा मैंने लिख दिया है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जो है चेक करने दीजिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड है। देखिए, तभी मुझे लगा कि यहां पर जो है रिवीजन में थोड़ी सी गलती हो गई है। रुकिए, इसको सही कर दिया जाए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है दोस्तों? उत्तराखंड है। ठीक, चलिए, देवस्थल उत्तराखंड। अब दोस्तों नेक्स्ट है, मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए दोस्तों जेवियर ओलिवन। और भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो IIM, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये कहां पर? पंचकूला हरियाणा में। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। इसका शुभंकर कौन सा है? धाकड़ गाय। डन है। भजन सोपोरी का निधन हुआ, तो ये संतूर वादक थे। तुर्की का नाम बदल कर क्या करने की मंजूरी UN द्वारा कर ली गई? तो इसका नाम होगा तुर्की, इसका पहले नाम था तुर्की, UN ने इसको जो है स्वीकार कर लिया है। BR अंबेडकर के नाम पर सड़कों कॉलोनियों का नाम कौन रखेगा? तो दिल्ली सरकार। यूनिसेफ के 20वें वर्ष के लिए सद्भावना दूत कौन? सचिन तेंदुलकर। और स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है हरिनी लोगन ने जीत लिया है। इन्होंने कितने स्पेलिंग सही बताए? 21 स्पेलिंग इन्होंने बिल्कुल सही बताए। डन है दोस्तों। चलिए अब कल के प्रश्नों को देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम अनंत ये कहां पर दोस्तों लगाया गया? ठीक है, तो परम अनंत लगाया गया है IIT गांधीनगर में। डन है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, किस थीम के साथ? तो ये दोस्तों योग फॉर ह्यूमैनिटी। आप लोगों ने चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से बताया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग चारों ऑप्शंस को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिए यहां पर और भी चीजें हैं, ये IIT लिख दिया गया था, ये NIT है। तो NIT तिरुचिरापल्ली में दोस्तों कौन सा लगाया गया? तो परम पोरुल। ठीक है, खड़गपुर में कौन सा लगाया गया? तो परम शक्ति। और रुड़की में तो परम गंगा। डन है। नेक्स्ट है योगा फॉर वेलनेस, ये 2021 की थीम थी। ठीक, 2022 की थीम ये है। और इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तो पृथ्वी दिवस, और आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है। आज का दोस्तों आपका प्रश्न है कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है। डन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और दोस्तों अब ये जो है राज्य में दिया जाएगा, किस राज्य में दिया जाएगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन का उपयोग कर डाक पार्सल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, मतलब ड्रोन के द्वारा डाक पार्सल, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव ये कहां पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और दोस्तों ड्रोन फोर्स और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन को जो है प्रयोग में लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहां पर पूछा गया कि ड्रोन का उपयोग करके डाक पार्सल डिलीवर करने वाला राज्य कौन बना है पहला राज्य? तो आपको उत्तर देना, चार ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और बिल्कुल दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।